जहां पर स्थल और जल आकर के से गंगा का तट है ना, गंगा का तट, यमुना का तट, तालाब का तट, नाली का तट, जहां भी आप लोग जाइए तो स्थल और जल जहां पर मिलेंगे वही क्या कहलाएगा तट। और अगर स्थल और जल काफी दूर तक जा रहे हैं दूसरे के साथ साथ तो यही तट की क्या बन जाएगी, रेखा। ठीक है, तो हिंद महासागर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर तो कैसे होता बताइए, आपका घर क्या गंगा नदी से 10 देश हिंद महासागर से लगते हैं।